Ethics of early human embryo. Now, whenever we talk about the human being research, then two fundamental principles arises that are related to moral issues, that whether it is good or bad. One is the duty to prevent the suffering of the individual, whether it is an animal or a human being. And second duty is to respect the value of human life. कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जैसे ही हम ह्यूमन एम्ब्रियो को हार्वेस्ट करते हैं, वी वायलेट द सेकेंड ड्यूटी, वी डोंट गिव रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ. इसी तरह आजकल स्टेम सेल रिसर्च के बहुत ज्यादा चर्चे हैं, एंड इट इज गुड फॉर थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू. बट वॉट अबाउट द मॉरल प्रिंसिपल्स? इफ यू टॉक अबाउट दीज टू फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग ह्यूमन क्लोनिंग, वी कांट lead them side by side or simultaneously. If we are giving respect to the human life, we can't prevent the suffering of an individual. And if we are preventing the suffering of an individual, we can't give respect or value to the human life. So, number of ethical issues arises regarding the fertilized egg, that fertilized egg should be protected because it is a full-fledged human being. जैसे कि unconscious individual, अगर for example patient कोमे में पड़ा हुआ है, तो आप उसको as a patient treat करते हैं. इसी तरह fertilized egg को भी as a human being treat करना चाहिए. जबकि दूसरे ग्रुप ने कहा कि फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग बिफोर इम्प्लांटेशन हैज नो वैल्यू, दे डोंट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ पर्सनहुड, सो दे आर नॉट ट्रीटेड एज द ह्यूमन बीइंग. सो क्या आपको कभी याद है कि आपके अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपको आपकी रिस्पेक्ट को हार्म किया गया या आपको रिस्पेक्ट नहीं दी गई? सो दिस इज समथिंग वेरी फनी बिकॉज एम्ब्रियोज डोंट हैव इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. हाउ एवर वी कैन गिव रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन अर्ली एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज. नाउ बिफोर इम्प्लांटेशन वी गिव लेसर रिस्पेक्ट, डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट टू द अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो. Now the respect varies as the gestational week increases. So the respect of degree of respect increases as the gestational week increases. Now naturally the loss of embryo can occur in the form of abortion or due to any other genetic reason. इसी तरह हम stem cell रिसर्च में बहुत से सारे एम्ब्रियोज पे रिसर्च करते हैं, और कुछ एम्ब्रियोज को हम आगे लेकर चलते हैं और कुछ एम्ब्रियोज का लॉस हो जाता है. सो कीप इन माइंड दैट द नर्वस सिस्टम ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इज नॉट फुली डेवलप्ड, सो वी कांट ट्रीट इट एज अ फुल फ्लेज ह्यूमन बींग. इन ज्यूइश रिलीजन, अगर तो ह्यूमन फीटस की एज लेस देन 40 डेज है, देन वी कांट गिव हिम द फुल ह्यूमन स्टेटस. जबकि इस्लाम में कहा गया कि 40 डेज फर्टिलाइजेशन के बाद ह्यूमन एम्ब्रियो में सोल फूंकी जाती है. सो सोल इज ब्रेथ इन टू द ह्यूमन एम्ब्रियो ऑन द 40th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो इन इस्लाम स्टेम सेल इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, बट एम्ब्रियोज कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल इफ वी आर डोनेटिंग them to the other couples in Islam.